हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम में। शुरू करते हैं कुक ब्रांड का एक और का कॉमिक्स, कुक ब्रांड और कानाडोन। लेखक अंसार अख्तर, संधि संपादक संदीप गुप्ता, चित्रांकन कदम स्टूडियो। मोटू सुबह सवेरे ही गांव से लौटा था। पहले स्नान करके थकान उतारूंगा, फिर फूफा फूफी से मिलूंगा। वह सीधा अपने कमरे में पहुंच गया। बॉन्ड भैया जॉगिंग के लिए गए होंगे, उनके लौटने से पहले तैयार हो जाता हूँ। आहट सुनकर बेड के नीचे सोया संटी जाग गया। आई, ये मोटू राम कौन है? संटी के विषय में जानने के लिए नरक के भूत पढ़िए। जय हनुमान जी, कर दो स्नान जी, अभी मज़ा चखाता हूँ इसे। बाथरूम के अंदर मोटू बाथ टब में गोता लगा चुका था। वह गर्म पानी ने यात्रा की थकान उतार दी। तभी, आई, यह क्या पानी अचानक उछलने क्यों लग रहा है? बहुत हैरान हो रहा है, इसकी चड्डी में घुस जाता हूँ। मोटू ने अपने कच्छे को चलते देखा तो उसकी घीघी बन गई। का कच्छा चल रहा है, पानी उछल रहा है, पर यह सब हो कैसे रहा है? जवाब में संटी ने कच्छे को छोड़ टब में छलांग लगा दी। छपाक, ऐसे। ओए, यह कौन बोला? कौन है यह? तुरंत ही वह मोटू के सामने प्रकट हो गया। यह तो केवल मैं हूँ भाई, और मैं तो कुछ नहीं बोला। हा, भा भा भूत। मोटू डर कर टब से बाहर कूदा। बचाओ, पानी में भूत निकला आया। घबराहट में उसने कपड़े पहनने का होश ही नहीं रहा। बावला बीज नंगा ही भाग गया। उधर इंस्पेक्टर धमाका सिंह जी उस समय बजरंगबली के सम्मुख दंडवत थे। हे बजरंगबली, कानाडोन पुलिस फोर्स के लिए सिरदर्द बना हुआ है, उसे मेरे हाथों गिरफ्तार करवा दे प्रभु। तुम्हारे सामने 1,000 दंड पेलूंगा। आशीर्वाद दो प्रभु, तभी मैं यहाँ से उठूंगा। तभी मोटू नंगा धड़ंगा अवस्था में सुपर स्पीड से दौड़ता हुआ भीतर आया। बचाओ, और धमाका सिंह से उलझकर उन पर ढेर हो गया। हाय बजरंगबली, हे हाय, मर गया बजरंगबली। इतना भारी आशीर्वाद क्यों दे दिया? धड़ा, आशीर्वाद नहीं फूफा जी, ये मैं हूँ मोटू। आए तेरा सत्यानाश, चड्डी तो पहन लेता। एक भूत मेरी चड्डी ले गया है फूफा जी, मुझे बचा लो भूत। ओह, तुझे संटी ने दौड़ा रखा है। सर, संटी कौन? हमारा नाम है संटी। लो, अपना कच्चा संभालो। यह क्या बदतमीजी है संटी, तुमने मोटू को कच्छा क्यों उतारा? गुर्र, कच्छा तो इसने खुद उतारा था बापू, मैंने तो सिर्फ इसे डराया था। ही, चुप, मोटू भी हमारा बच्चा है और इसी घर में रहता है। खबरदार जो आगे ऐसी हरकत की। गलती हो गई जी। धमाका सिंह ने मोटू को संटी के विषय में सब कुछ बता दिया। अच्छा, एक भूत हमारा साथी बन गया है, अब आएगा मज़ा। तू मज़े ले लेता रह, मैं चला अपनी ड्यूटी पर। उधर कुक ब्रांड मॉर्निंग जॉगिंग कर रहा था। बहुत दिनों से कोई केस हाथ में नहीं है, इसीलिए लाइफ का मज़ा नहीं आ रहा। तभी कमिश्नर अंकल की जीप उसके निकट रुकी। ची ची, ओए कमिश्नर अंकल, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बॉन्ड बेटे, जॉगिंग हो रही है? हाँ जी, कोई केस तो आजकल है नहीं, इसीलिए समय को फिट रखने के लिए जॉगिंग करता हूँ। ऐसी बात है तो तुम काना डॉन के केस पर काम क्यों नहीं करते? काना डॉन ने आजकल पुलिस के नाक में उंगली कर रखी है। वह हथियारों का बहुत बड़ा तस्कर है, देश विदेश के हथियार इकट्ठे करके आतंकवादियों को बेचता है। मगर इस केस पर तो मेरे बापू इंस्पेक्टर धमाका सिंह लगे हुए हैं। धमाका सिंह तो चिड़ी का अट्ठा है। सर सॉरी, तुम बुरा ना मानना, दरअसल यह केस उसके बस का नहीं है। उसे तो
जेम्स बॉन्ड का चेला ग्रेट कुकब्रॉन्ड ही हल कर सकता है। थैंक यू अंकल, मैं जल्दी ही आपसे आकर मिलूँगा। उधर इंस्पेक्टर धमाका सिंह जब पुलिस स्टेशन पहुँचा, सर अभी अभी एक मुखबिर ने सूचना दी है कि काना डॉन का हथियारों से भरा एक ट्रक चचुंडा गांव वाले चेक पोस्ट से गुजरेगा। चचुंडा ही बड़ा अजीब गांव है। इंस्पेक्टर धमाका सिंह तुरंत ही चचुंडा चेक पोस्ट पर पहुंच गया। कोई भी ट्रक बिना चेकिंग के पास नहीं होगा। तभी एक ट्रक आकर रुका। रास्ता छोड़ो इंस्पेक्टर जी, सानू जल्दी जरा जल्दी है। ओए जल्दी दे पुत्र, पहले यह बता ट्रक में क्या है। ही ट्रक दे विच कलो दे भूरी होर चितकबरी ते बकाड़ी होंदी से जी। क्या है बे, हम खुद देखेंगे। उसने ट्रक के पीछे जाकर तिरपाल हटाई। सड़ा ओई भैंस, देख लिया जी, भैंस ही है ना, 80 तो पहले ही 10 रियात थे। गुर ले जा ट्रक नू, खोते ना हो। कुछ देर बाद एक मिनी ट्रक आकर रुकी। क्या है गाड़ी में? ऊँट है जी, रेगिस्तान में छोड़ने जा रिया हूँ। और इस पिद्दे ट्रक में ऊँट कैसे घुस सकता है? सिपाहियों आओ चेक करते हैं। धमाका सिंह ने खींच कर ट्रक का पट्टा हटाया तो भों भों, ट्रक में बहुत सारे कुत्ते भरे हुए थे। भों वुफ भों, जबरदस्ती बंद किए जाने के कारण कुत्ते नाराज थे, इसीलिए उन्होंने धमाका सिंह एंड पार्टी को नोच खसोट कर रख दिया। उई मर गया। धमाका सिंह ने तुरंत ही फूट लेने का आदेश दे दिया। दुड़की दुड़की लगा ले धमाके, वरना यह तेरी तसीब नोचे नोच खाएंगे। कुत्ते उन्हें दौड़ा कर दूर ले गए थे। हे, कुत्ते वाला आइडिया धांसू रहा। अब चेक पोस्ट पर एक भी पुलिसिया नहीं है। वास्तव में यह काना डॉन का ट्रक था जिसमें हथियार भरे हुए थे। काना डॉन का दिमाग भी बड़ी कुत्ती चीज है। पुलिस से निपटने के लिए एक से एक नए तरीके खोजता रहता है। उधर कुत्तों से पीछा छुड़ाकर धमाका सिंह किसी प्रकार अपने घर पहुँचे। आई पापू के चिथड़े किसने उड़ा डाले? ही। फूफा किसी धोबी से लड़कर आया है, आए आए हैं शायद। बकवास बंद करो वरना डंडा फेंकूंगा सब पर। लेकिन बापू तुम्हें हुआ क्या है? होता क्या बे, काना डॉन का ट्रक पकड़ने चचुंडा गया था, मगर वहाँ कुत्तों ने नोच खसोट डाला। धमाका सिंह ने पूरी बात कुकबरान को बता दी। कुकबरान का दिमाग तीव्र गति से चलने लगा। मुझे तो यह काना डॉन की चालाकी लगती है। उसने जानबूझकर पहले ट्रक में कुत्ते भेजे होंगे। मुझे मिल जाए तो जेल तो तेल पिलाए, डंडे से ससुरे की दुम छेद डालूंगा। गुरु तो तुम अपने डंडे को तेल पिलाकर तैयार करो बापू। मैं काना डॉन को बहुत जल्दी पकड़कर तुम्हारे सामने पेश करूंगा। और एक खबरदार, जो तूने इस केस में अपनी लात अटकाई, काना डॉन को मैं खुद पकड़ूंगा। उसे बाद में पकड़ो जी। ही ही ही। पहले कपड़े बदल डालो। ही। हंसी आ रही है देखकर। गुर इसी तो हंसी रुक ही नहीं रही है। उधर काना डॉन अपनी सफलता पर बहुत खुश था। हा, पुलिस को कुत्तों ने दौड़ा लिया और मेरा माल सुरक्षित यहाँ पहुँच गया। मगर डॉन, अगर पुलिस किसी दिन यहाँ पहुँच गई तो क्या होगा? यहाँ आओ, हम बताते हैं क्या होगा। जिसुम आ, यह है तुम्हारे मूर्खता प्रश्न का उत्तर। गधे के बच्चे, हमारी विशाल कोठी के नीचे बने इस अंडरग्राउंड अड्डे तक पुलिस तो क्या परिंदा भी पंख नहीं मार सकता? या यस डॉन, अब हमारे लिए क्या आदेश है?
झपटापुर बॉर्डर से आने वाले हथियारों को की खेप तुम्हें ही लेकर आनी है। तुरंत ट्रक लेकर रवाना हो जाओ। ओके डॉन। उनके जाने के बाद कानाडोन उठकर सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हे, एक दिन कानाडोन इस देश का सबसे धनवान व्यक्ति होगा। फिर मैं अपने बैठने के लिए सोने की कुर्सी बनवाऊंगा। कुर्सी पर बैठकर डॉन ने एक स्विच दबाया। अगले ही पल कुर्सी दूसरी ओर घूम गई। सुन, दूसरी ओर डॉन का ऑफिस था। हे, तहखाने के इस गुप्त रास्ते तक मेरे सिवाय कोई नहीं पहुंच सकता। वास्तव में अब वह अपनी, यहाँ कुछ छुपा हुआ, अपनी ही के पूरे हिस्से में बने अपनी वास्तव में वह अपनी ही बंगले के ऊपरी हिस्से में बने अपने शानदार ऑफिस में था। ड्राइंग रूम से पहुंचते ही उसकी बेटी फ्रूटी ने उसे पकड़ा। पापा, आपने प्रॉमिस किया था कि आज मुझे डॉल हाउस गुड़िया घर दिलाओगे। चलिए ना बाजार, तुम अपनी मम्मी के साथ चली जाओ। फ्रूटी डार्लिंग, वह तुम्हें बाजार में बिकने वाला सबसे बड़ा और महंगा डॉल हाउस दिला देंगी। ओके पापा, थैंक यू। उधर कुक ब्रांड के घर में कानाडोन के मामले में हस्तक्षेप के लिए बापू ने मना कर दिया है, इसीलिए हम फिर बेकार हैं। तो मार्केट चलते हैं बॉन्ड भैया। भैया, मुझे मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? संटी, तुम घर से बाहर आए तो नरक के भूत तुझे पकड़े लेंगे। ऐसा नहीं होगा बॉन्ड भैया। दिन के समय वह मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय हम भूतों की शक्तियां कम हो जाती हैं। संटी जिद करके उनके साथ आ गया था। कहाँ चलना है मोटू? सुपरमार्केट चलेंगे। नरक के एक प्रहरी भूत धुरंका संटी को पकड़ने के लिए आया हुआ था। आज संटी ताबीज के सुरक्षा कवच में नहीं है। मुंडी पकड़कर नरक में ले जाऊंगा इसे। गुर्र, अगले पल हा, धा धुरंका, मैं तुझे लेने आया हूँ संटी। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। पवन भैया, ओह बड़ा भयानक भूत है। मुझे बचाओ बॉन्ड, वह बहुत शक्तिशाली भूत है। मैं कैसे बचाऊं? तभी कुक ब्रांड को अपनी जेब में रखे धुएं के बम ध्यान में आए। उसने फुर्ती से धुएं का बम निकाल कर फोड़ दिया। आई, यह क्या? धुएं के कारण धुरंका कुछ देख नहीं पा रहा था। भागो सेंटी। ओहो वाह, दौड़ते हुए वे सुपरमार्केट जा पहुंचे। वाह बॉन भैया, तुमने तो भूत को भी धोखा दे दिया। मगर धुरंकर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो आ रहा होगा। यह बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। अंदर बहुत भीड़ होगी और धुरंकर हमें तलाश नहीं कर पाएगा। धुरंका भी उनका पीछा करते हुए स्टोर के निकट पहुंच गया। अंदर जा रहे हैं, आज संटी को नहीं छोड़ूंगा। संटी ने धुरंका की गन सूंघ ली थी। वह आ गया, हमारे बहुत निकट पहुंच चुका है। वो अब उसे बचाने का एक ही उपाय है, इस तरफ आओ। वे गुड़िया के कक्ष में पहुंच गए। हम उस डॉल हाउस में छुप जाते हैं। अबे मूर्ख, हम इतने बड़े लोग गुड़िया के घर में कैसे छुप सकते हैं? मैं तुम दोनों को अपनी जादू की शक्ति से छोटा कर देता हूँ।
संटी के जादू के प्रभाव में कुक बरांड व मोटू 6 इंच होकर रह गए। आई हमारा कद तो बित्ते भर का रह गया, अब क्या होगा बबोन भैया? आगे क्या होगा यह बाद में बताऊंगा, पहले जल्दी अंदर घुस जाओ, धुरंका आ रहा है। डॉल हाउस भीतर से शानदार ढंग से सजा हुआ था। याहू, यह गुड़िया घर तो 5 स्टार लगता है। तभी धुरंका भी वहां पहुंचा था। उस कहाँ चले गए? जल्दी ही उसने पता लगा लिया और मैं भी अंदर आ रहा हूँ। ठीक उसी समय फ्रूटी अपनी माँ के साथ वहाँ पहुँची थी। मम्मी, वह रहा डॉल हाउस। यही चाहिए मम्मी, मुझे यही घर चाहिए। ओके ओके, मैं इसे पैक करा देती हूँ। फ्रूटी के डॉल हाउस उठाने से भीतर भूचाल सा आ गया था। ओह, अरे बाप रे, यह क्या झटका कैसा था? मुझे लगता है धुरंकर भीतर आ पहुंचा है। ठीक समझा तू, हा। अबे संटी के बच्चे, अब क्या होगा? यह तो छोटा होकर यहाँ तक आ पहुंचा है। मैं भी यही चाहता था कुकवरण, इस समय इसकी शक्ति काफी कम हो गई होगी। पकड़ लो इसे, यह हम तीनों के सामने नहीं ठहर सकेगा। अच्छा, कुकबरान ने तुरंत ही फलाइंग किक जमाई, धड़ाक। डॉल हाउस के भीतर युद्ध छिड़ गया था। ठाक धिसुम आए, यह कैसी आवाज़ है? इसमें कोई आवाज़ नहीं बेटी, लाओ मैं इसे पैक कर देता हूँ। थैंक यू अंकल। भीतर कुकबरान ने मोटू और संटी के साथ मिलकर धुरंका का बैंड बजा दिया था, धड़ाक। मगर वे समय भी फ्रूटी के